हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमने जो UPPCS के लिए 15 क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, उसका 24th पार्ट लेके आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे। ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये 6 सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा है, उसके बारे में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। भारत के प्राचीनतम सिक्के चांदी के थे। राजा और राज्य को उससे सुमेलित करना है। प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेंजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। राज्य और राजधानियों को सुमेलित करना है। राज्य को उसकी राजधानी से, अंग की राजधानी थी चंपा, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल हैं, ये ABCD दे रखे हैं ना, ये जो स्थल है ये है मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। भारत मध्यमिका नगरी कारकोट, विराटनगर, बैराट तथा रेड में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। माध्यमिका तथा विराटनगर सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उद्यन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6 शताब्दी में। गांधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6 शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थिति अहिक्षेत्र में। तो गाइस बाय।